विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। आदरणीय पवार साहब, हमारे सारे नेतागण और साथियों, बहुत सारी बातें आपके सामने हमारे नेताओं ने पहले ही कही है। समय की भी काफी कमी है, इसलिए कुछ चंद लफ्जों में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। ये तो सभी जानते हैं कि इस देश में क्या चला है। थोड़ी शांति रखें, अब कुछ कहना है तो ये भी है कि आप तो सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं। जैसे कुछ कह दिया तो ईडी की बीड़ी लग गई, तो देश भर में जो है एक भय का वातावरण है कि बोले तो क्या बोले भाई, सभी लोग तो तकलीफ में हैं। रोजाना किसी ना किसी के ऊपर इसकी रेड, उसकी रेड, उसकी रेड, रेड ही रेड है। कहा था उन्होंने, हम हर खिसे में 15 लाख रुपया देंगे, 4 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरियां देंगे, जितने भी किसान हैं उनकी आमदनी दुगुना होगी, सबको घर मिलेंगे, सबको बिजली मिलेंगे, सबको ये मिलेगा वो मिलेगा, सब कुछ मिल गया। कितनी शांति है सारे देश में, जय जयकार हो रही है, सब कुछ मिल गया। कहां गया ये सब? ये तो सही बात है कि भाई 5 सालों में नहीं होगा, फिर से कम थोड़ा बहुत तो कुछ हो, मगर हम जो है जो था वो भी गवाह बैठे हैं। अब तो कहने की बात ये है कि भाई हमको वो आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, जैसे भी थे वही दिन हमको लौटा दे तो बहुत काफी अच्छा है। क्या कर, महंगाई बढ़ रही है और सारी सीमाएं पार कर चुकी है। हमारी अर्थमंत्री बहन जी है निर्मला ताई, क्या नाम, सीतारामन जी, और 3 साल पहले उन्होंने जो है कॉरपोरेट टैक्स जो है उनका रेट कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि 1 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारे खजाने में कम आने लगा। 1 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया कम आने, पिछले कुछ 6-7 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया धनवानों का जो दुबाना चाहते थे उनको माफ कर दिया, जिनका माफ नहीं हुआ। एक ने बहुत अच्छा किया, एक टीचर ने पूछा एक बच्चों को, भाई भारत छोड़ो आंदोलन में किसने किसने भाग लिया? वो बच्चे ने कहा, विजय मल्ल्या, ललित मोदी और कई लोग जो ऐसे जो उन्होंने बात बताई, ये सब लोग भारत छोड़ो। अब करे तो करे क्या, अब इकोनॉमी जो है डूबने लगी, तो जीएसटी का हथियार उनके हाथ में था, कभी नहीं हुआ अनाज के ऊपर जीएसटी, छाछ के ऊपर जीएसटी, दाल के ऊपर, तेल के ऊपर, खाने की सारे चीजों के ऊपर जीएसटी। इतना ही नहीं, बच्चों की लिखने की जो पेंसिल उसके ऊपर भी जीएसटी, और जो पेंसिल से लिखा हुआ मिटाया जाता है उस रबड़ को, उसके भी ऊपर जीएसटी। कोई अस्पताल में है उसके ऊपर भी जीएसटी, अभी तक जो है मौत के ऊपर कोई जीएसटी तो नहीं आई है भाई, तो कोई
डर नहीं है। हाँ 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 अच्छा 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 मौत के ऊपर नहीं, मर मौत को जो है अगर दफन करना है या तो जलाना है तो उसके ऊपर भी बच्चों के लिए बोला हम स्कूल चले साथ साथ जीएसटी का बोझा सर पर लेके क्या हम कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन आएगा तो कुछ ना कुछ बातें बढ़ाएंगे, बहकावा में हम लोग आ जाते हैं, वोट देते हैं, हमेशा धर्म धर्म की बातें करते हैं, महंगाई की बातें हम भूल जाते हैं। हम पवार साहब और आपसे यही कहना चाहेंगे, बहुत रंजिश है यहाँ के लोगों के दरमियान, बहुत रंजिश है यहाँ के लोगों के दरमियान, मुनासिब है हर शख्स को प्यार चाहिए, मुनासिब है हर शख्स को प्यार चाहिए, बहुत ऊंची है यहाँ मजहबों की दीवारें, बहुत ऊंची है यहाँ मजहबों की धर्मों की दीवारें, इसे गिराने के लिए एकता का हथियार चाहिए। और पवार साहब उस हथियार को बनाने के लिए आपका नेतृत्व चाहिए। मजहब अजब में बस, जैसे इलेक्शन आएगा लड़ाई झगड़े शुरू, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, अरे हमें मंदिर नहीं चाहिए मस्जिद नहीं चाहिए, भूखे पेट को रोटी चाहिए, रोटी दो भाई। ये तो शुक्र है कि परिंदों को पता नहीं कि उनका मजहब क्या है, ये तो शुक्र है कि परिंदों को पंछियों को उनका मजहब क्या है, नहीं तो आसमान से भी खून की बारिश होती है। ये बस जहां जावे वहां यही बात है, दूसरी बात नहीं करेंगे, कुछ भी इल्जाम लगाएंगे गलत सलत, ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, यहां से वहां चले जाओ लॉन्ड्री चालू है, सब धुलाई साफ बिल्कुल शुभ्र बन जाते हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ सिक्के लगाएंगे भ्रष्टाचार के। मैं आपसे कहना चाहूंगा जिंदगी में तारीफ कम और इल्जाम बहुत है, जिंदगी में तारीफ कम और इल्जाम बहुत है, उम्र है 4 दिन की पर इम्तिहान बहुत है, वह इम्तिहान हम पास करना चाहते हैं किसी भी हालत में। ये महंगाई, ये आपस के झगड़े, ये ईडी, ये आईटी और क्या क्या है भाई, क्या बतावे, कुछ ना कुछ केसेस डाल देते हैं, लोग डर के मारे चुप बैठे हैं, सब जगह तैयार है लोग, कौन साथ में लेके आए, कौन बिड़ा उठाए, एक ही शख्स है हिंदुस्तान में जिसके तरफ लोगों की नजर है कि यहां कुछ रास्ता निकलेगा, जहां सब लोग सुनेंगे और एकता के साथ फिर से जो है ये दूसरी आजादी की लड़ाई हमको लड़नी होगी। अभी अभी जो है 75वां साल हुआ अमृत महोत्सव, ये तो अच्छा है भाई, सारे तिरंगे झंडे जो है घर घर में जो है लहराए गए, सब लोगों को साथ में लिया गया, बहुत अच्छी का अच्छा काम हो गया। अरे और ये बाकी सब लोग कहां गए, इनका इतिहास कहां गया, कहां गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी, कहां गए सब लोग, देश में कुछ हुआ ही नहीं है, ये लड़ाई लड़ी तो कौन लड़े, इनका एक नाम तक नहीं, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इतनी सारी संपत्तियों को संपत्ति को छोड़कर, उनके पिताजी ने, उन्होंने भी
सारा घर बार जो है आजादी के लिए नछाड़ कर जाओ, ले जाओ और लड़ो। पंडित जवाहरलाल 9 साल तक बार बार जेल में गए और आजादी के बाद में भी जो है इस राष्ट्र को बनाने में मदद उन्होंने की। इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान, कोई कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने ही किया। बस इतिहास खत्म करने का प्रयास हो रहा है, हमको इस इतिहास को दोहराना होगा, सबके सामने रखना होगा और जो इतिहास में लड़े उनके साथ साथ उनके पैरों पर हमें चलना होगा, उनके विचारों पर हमें चलना होगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग कोने कोने से आए हैं, सब लोग अगर एक होकर सबको साथ लेकर, फिर वो दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हैं, जो हमारे जो है अक्लियत की जो हमारे भाई है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, सबको साथ लेकर हमको चलना होगा। क्योंकि ये स्वराज, ये आजादी मिली सबके लिए मिली, किसी एक तबके के लिए नहीं मिली, तो फिर आजादी के सारे फल आखिरी आदमी तक जाने चाहिए। शिक्षा हर आदमी को मिलनी चाहिए, घर हर आदमी को मिलना चाहिए, रोटी हर आदमी को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है हमारे लोग दुनिया में सबसे बड़े अमीर हो गए, हमारी इकोनॉमी लंदन से बड़ी हो गई, पवार साहब ने कहा, वो लोग कहते हैं लंदन से बड़ी हो गई। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, कोई एक कुछ आदमी, चंद आदमी जो है बहुत अमीर हो गए तो हमारी इकोनॉमी बढ़ गई? लंदन में सैलरी क्या है, लंदन में रहन सहन क्या है, घर बार क्या है? यहां तो रहने के लिए घर नहीं है। लोग कहते हैं कि हम तिरंगा लगाएंगे, मगर घर पर तिरंगा लगाना है तो हमको घर तो दीजिए, तब तिरंगा लगाएंगे ना भाई। यहां तो घर का पता नहीं है और कह रहे हैं कि भाई तिरंगा ले आए, कैसे कर? तो मैं चाहूंगा कि हमको इन दिनों को बदलना होगा और इसके लिए हम सब लोग एकजुट कर लड़ते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि साहब जैसे जो है नेतृत्व उनका हमें मिला है, उस नेतृत्व को सारा देश आज देख रहा है, हम सारे एक साथ उनके पीछे खड़े हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। इसके बाद राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।